हेलो गाइस, वेलकम टू राजू टीआरसी टेक में आपका स्वागत है। अभी हमने आपको बताया था कि पिछले स्टेप में कि FM2 मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम होती है जब ये ब्लिंकिंग LED करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा स्पेस कम था मोबाइल में, जिसके कारण हम आपको पूरी वीडियो को नहीं दिखा पाए। तो प्रॉब्लम तो हम पहले इसमें फेस कर चुके हैं और आपको रिमाइंडर के लिए एक बार और बता दूं क्या इसमें क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट स्टेप में हम देख पाए थे दोस्तों कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये देखिए, इसमें बार बार रिस्टार्ट हो रहा था, डेटा कोडिंग कर रहा है बट ब्लॉक हो गए, फिर रिपीट हो गए, रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था, तो इसमें क्या हम फर्स्टली कर सकते हैं, इसमें हम सबसे पहले हम प्रोसेसर को चेंज कर लेंगे। हो सकता है हमारा CPU ख़राब हो। CPU इसमें आप 7800 AMD 7800 सीरीज का लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं 8N 7800। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको ऑन कर लेते हैं और हमारा डेटा कंटिन्यू बनने लगा और हमारा कोई भी रीसेट नहीं हो रहा है। और जिससे हमारा CPU ओवर हीट ना हो, हम इसमें हीट सिंक को ऊपर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा कोडिंग बिल्कुल स्टिल हो गई है एक जगह, और ये देखिए आपका डिस्प्ले भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्लियर हो गया हमारा फॉल्ट कि जब डेटा कोडिंग बार बार रिस्टार्ट होता है हमारा मदरबोर्ड, तो उसमें CPU का फॉल्ट होता है। तो दोस्तों, ये ऐसी वीडियो हम आपको क्लियरली फॉल्ट बताते रहेंगे। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।